Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I will cook silly butty recipe. So let's get started. तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है. अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, चाइनीज़ नमक हम इसके अंदर डालेंगे ताकि ये हमारे मटन को बहुत ही अच्छी तरह से गला देगा. टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक यूज़ किया है, हल्दी पाउडर. अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस. अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है. अब हम इसमें डाल देंगे वेज मायोनीज़. तो यहाँ पर मैंने अमूल का मायोनीज लिया है, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का मायोनीज ले सकते हो. तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम इसमें रख देंगे फ्रिज में. तो यहाँ पर हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है. अब हम इसे सिल्ली में लगा लेंगे. तो यहाँ पर हमने सिल्ली बूटी की सिल्ली ले ली है. अब हम इसमें 5 से 6 बूटी लगाएंगे. इसी तरह से हमें सारी सिल्ली पर बोटी लगा लेनी है. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है ये. अब हम इसे टोस्ट के भूके में कोट कर लेंगे. तो यहाँ पर हमने टोस्ट का भूका ले लिया था, अब इसी तरह से हम इसे कोट कर लेंगे. इसी तरह से हमें सारी सिल्ली बोटी की कोटिंग करनी है. अब हम इसे अंडे के गोल में कोट करेंगे. तो यहाँ पर हमने अंडे का गोल ले लिया, इसे मैंने पहले से फेंट लिया था. अब हम इसे इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे. अब हम इसे फ्राई कर लेंगे. तो हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है वरना ये ब्लैक हो जाएंगे. तो हमें धीमी आंच पर इसे पकाना है. तो यहाँ पर हमारी सिल्ली बूटी गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो चुकी है. अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे. तो आप रमज़ान में इसे घर पर जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.